नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग से संबंधित है। रेडियो विभाग से संबंधित आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको कट ऑफ पता चली होगी, सिलेबस पता चला होगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस वैकेंसी संबंधित कुछ एडवांस फीचर्स गिनाने वाला हूँ जो आपको बहुत जरूरी है जानना और आपके लिए हितकारी साबित होंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप बहुत कुछ पाने वाले हैं इस वीडियो से संबंधित। इस वीडियो से संबंधित मैंने चार बिंदुओं को प्राथमिकता दी है जो बिंदु आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जान ले इन बिंदुओं के बारे में। सबसे पहला बिंदु यह है कि तीनों पोस्ट के लिए सैलरी आपको कितनी कितनी मिलेगी। इसमें आपको पता है कि तीन पोस्ट हैं तो तीनों पोस्ट के लिए सैलरी कितनी कितनी मिलेगी। अगला जो है, क्या आपको अपने ज़िले में पोस्टिंग मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। बहुत ही अच्छी जॉब है और अगर आपको अपने ज़िले में पोस्टिंग मिलती है तो फ़ायदा भी होता है। जॉब टाइमिंग क्या रहती है, कितने घंटे की जॉब प्रोफाइल इसकी रहती है। साथ ही साथ ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं आपके नज़दीकी हम में कोई ट्रेनिंग सेंटर्स, तो आपको बड़ा आसानी से ट्रेनिंग करने में सुलभता रहेगी। साथ ही साथ एग्जाम डेट से संबंधित क्या जानकारी इसमें मिली है वो भी हमें आप बता दीजिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो तीनों पोस्ट के लिए आप सैलरी समझ लीजिए कि तीनों पोस्ट के लिए सैलरी कितनी कितनी मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप अगर पेशेंस बना के रखेंगे तो बहुत कुछ वीडियो में आपको मिलने वाला है। जब आप इसकी सैलरी सुनेंगे तो आपके अंदर एक और जिज्ञासा जगेगी इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपकी वर्कशॉप वाली वैकेंसी है उसकी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। वर्कशॉप वाली जो वैकेंसी है उसकी सैलरी, इसकी आपको हिंदी भी पता होना चाहिए वर्कशॉप वाली की। इसकी हिंदी है आपकी कर्मशाला कर्मचारी, कहते हैं इसे कर्मशाला कर्मचारी। अब बात करें कि ये कांस्टेबल के पद पर यानी सिपाही के हिसाब से ये भर्ती रहती है, सिपाही के समकक्ष ये भर्ती है। अब इसके जो लेवल थ्री की जॉब है ये आपकी, ये भी आप जान लें लेवल थ्री की जॉब है। इसका जो बेसिक पे रहता है वो आपका रहेगा 21,700, यानी 21,700 का बेसिक पे रहता है। अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो डीए चल रहा है 46%, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका डीए हो जाएगा 50%। तो ज्वाइनिंग आपकी 2024 में होगी, ये क्लियर है। तो ये मान के चलिए कि बेसिक का जो डीए मिलेगा आपको वो 50% मिलेगा और बेसिक है आपका 21,700। 21,700 का अगर आप 50% निकाल के देखें तो ये आपका बनता है 10,850, 10,850 बनेगा। अब आपको जो राशन मिलेगा, राशन मनी कह सकते हैं, राशन मनी वो आपकी बनेगी 1,875 रुपये। और आपको वर्दी धुलाई के लिए जो पैसे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 188 रुपये। इस प्रकार अगर आप देखें टोटल आपकी सैलरी बनती है 34,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, बड़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। और इसमें आपका एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जो नहीं है इसमें सम्मिलित, और आपका कह सकते हैं एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको होम रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। आप जो ऑनलाइन रहती हैं, क्वार्टर्स रहते हैं, उन्हीं में आपको रहना होता है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान इतनी सैलरी मिलेगी, फिर आपको एचआरए भी सम्मिलित हो जाता है और फिर आपका एनपीएस कटने लगता है। इसमें से एनपीएस आपका बेसिक पे का, बेसिक प्लस डीए दोनों का मिला के कह सकते हैं 10% एनपीएस कटता है आपको। और ठीक इसमें सरकार 14% अपना जोड़ती है, यानी कि 24% आपको यहाँ मिलना है। तो ये आपका बता दिया मैंने वर्कशॉप की जो टोटल सैलरी है लेवल थ्री की जॉब, सिपाही के बराबर ही रहती है जैसे यूपी में कांस्टेबल। बेसिक पे आपको 21,700 मिलेगा, डीए आपका 50% हो जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, और डीए अगर बेसिक पे का 50% देखें तो 10,850 मिलेगा। राशन मनी आपको 1,875 की मिलेगी, वर्दी धुलाई आपको पर मंथ 188 रुपये मिलेंगे। तो आपकी इस प्रकार सैलरी बनती है 34,000 प्लस सैलरी आपकी बननी है। अब आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की होती है, लेकिन क्या होता है 6 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद आपको 4 मंथ की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है जो लखनऊ के रेडियो विभाग में होती है, वहाँ आपको रेडियो से संबंधित प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है। तो ये हो गई आपकी सैलरी। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी। कहते हैं कि इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर वाले जो है, असिस्टेंट ऑपरेटर यानी कि इसकी हिंदी होगी सहायक परिचालक, इसकी सैलरी कितनी बनेगी। ये आपके जो हेड कांस्टेबल के बराबर होती है पोस्ट, हेड कांस्टेबल जो यूपी में आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पहुंचने के लिए 10 से 12 साल लगते हैं, वो यहाँ आपको डायरेक्ट पोस्ट मिल रही है। इसे हवलदार भी कह सकते, हवलदार के बराबर रहती है। ये लेवल 4 की जॉब है,
इसका जो बेसिक रहेगा आपका, बेसिक पे आपका 25,500 रुपये रहेगा, और कह सकते हैं डीए आपका वही 50% तब सम्मिलित हो जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 2024 में। तो कह सकते हैं डीए बेसिक के 50% का अगर बनेगा तो आपका 12,750 रुपये बनेगा। और कह सकते हैं आपको राशन मनी यहाँ मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी 1,875 रुपये, और वर्दी धुलाई भी सेम मिलेगी, कह सकते हैं 188 रुपये वर्दी धुलाई की मिलेंगे। तो आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी कह सकते हैं 40,000 प्लस सैलरी आपकी यहाँ बनेगी, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। ये आपको ट्रेनिंग दौरान मिलेगी 6 मंथ में, जब आपका विदाउट एनपीएस, और कह सकते हैं इसमें आपका कोई वो नहीं जुड़ेगा एचआर, तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो एचआर जुड़ने लगेगा और एनपीएस कटने लगेगा। इस प्रकार ये सैलरी हुई। अब बात करते हैं हेड ऑपरेटर की। तीसरा नंबर है आपका हेड ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर की सैलरी आपको मिलेगी, हेड ऑपरेटर को कहते हैं सब इंस्पेक्टर, यानी कि यहाँ आपको एक स्टार देखने को मिलता है। हेड ऑपरेटर में लेवल 6 की जॉब है, ये लेवल 6 की जॉब है, और इसका जो बेसिक रहता है, बेसिक पे आपका रहेगा इसका 35,400 रुपये, और इसमें आपकी डीए मिलता है वही 50% आपको डीए मिलेगा। बेसिक का 50% अगर आप डीए देखें तो ये मिलेगा आपको 17,700 रुपये, और अगर आप राशन मनी देखें, राशन मनी तो ये आपको मिलेगी 1,500 रुपये, यहाँ थोड़ा कम हो जाती है। ये राशन मनी आपको अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस एसआई में सिलेक्शन लेते हैं तब भी आपको राशन मनी 1,500 ही मिलती है, वहाँ भी सैलरी बराबर है, यहाँ भी सैलरी बराबर है। वर्दी धुलाई के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ भी आपको 188 रुपये ही मिलते हैं। इस प्रकार आपकी टोटल सैलरी जो बनती है वो 54,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी 6 मंथ की, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ये इसमें आपका एचआरए नहीं जुड़ा हुआ है, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर आपके एचआरए भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें ये रहता है कि आपकी 1 साल में, कह सकते हैं 1 ईयर में, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट 5,000 रुपये का हो जाता है। तो बड़ी अच्छी जॉब है, अगर आप चाहें तो पा सकते हैं, अभी आपके पास मौका है। अब बात आती है कि सर इसके जो जॉब टाइमिंग रहती है वो बता दीजिए। जॉब टाइमिंग भी आपके लिए ज़रूरी है जानना। इसको जॉब टाइमिंग की जो रहती है, जॉब टाइमिंग मैं आपको बताऊं, जॉब टाइमिंग इसके 3 शिफ्ट लगती हैं जॉब टाइमिंग की। सबसे पहले तो आपकी शुरुआत होगी सुबह, सुबह आप 6 AM से देखें तो, और 2 PM तक आपकी 1 शिफ्ट लगेगी। फिर आप दोपहर को देखें, दोपहर 2 PM से, और कह सकते हैं शाम को 10 PM तक रहेगी। फिर आपकी रात की ड्यूटी लगती है जो, वो लगेगी 10 PM से और सुबह 6 AM तक। ये 3 शिफ्टें रहती हैं। अब क्या होता है कि एक हफ्ते में आपकी ये शिफ्ट चलेगी पूरी, एक हफ्ता आपको करना है, फिर आपकी बदल दी जाएगी, फिर एक हफ्ता ये वाली शिफ्ट चलेगी, फिर एक हफ्ता ये वाली शिफ्ट चलेगी। इस प्रकार आपकी ड्यूटी बदलती रहती है। वैसे आपकी ड्यूटी का टाइम 8 घंटे होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी केस है तो आपको ड्यूटी 24 घंटे भी करनी होती है। यह रहता है कि अगर आपने सुबह भी ड्यूटी की और शाम को भी ड्यूटी की तो फिर आपको 1.5 दिन का रेस्ट मिल जाता है आसानी से, तो आप 1.5 दिन का रेस्ट कर सकते हैं। महिला कैंडिडेट रात की ड्यूटी नहीं लगती, महिला कैंडिडेट की सुबह और दोपहर की ड्यूटी कर सकते हैं। वैसे तो एक हफ्ता ये ड्यूटी करनी होती है, फिर एक हफ्ता ये, फिर एक हफ्ता ये रहती है। इस प्रकार ड्यूटी का रहता है। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी बता दीजिए, वो कहाँ कहाँ हैं, क्या मेरे नज़दीकी हम में कोई ट्रेनिंग सेंटर है कि नहीं है। तो मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर्स भी बता दूँ यूपी में जो है। एक आपका मुरादाबाद में मिलेगा, एक आपका मेरठ में मिल जाएगा, एक आपका सीतापुर में है, एक आपका मिर्ज़ापुर में मिलेगा, एक आपका गोरखपुर में मिल जाएगा, एक आपका सुल्तानपुर में है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अगर आपको मिलता है इनमें से तो अच्छी बात है। सुल्तानपुर में, एक आपका जालौन में है,
और एक आपका उन्नाव में है। ये आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। मुरादाबाद, मेरठ, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, जालौन और उन्नाव, ये आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। अब आप बात आती है कि अपने ज़िले में पोस्टिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। देखिए, अपने ज़िले में पोस्टिंग तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्यूटी आपको अपने ज़िले के नज़दीकी में पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन आपको खुद के ज़िले में नहीं मिल सकती। इसके दो रीज़न हैं अगर आप अपने खुद के ज़िले में पोस्टिंग पाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक ठीक ठाक जुगाड़ हो, जो आपके उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जैसे SPD, SPD, IG वगैरह से। अगर आप चाहें तो आप अपने खुद के ज़िले, खुद के थाने में भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर आप देखें कि आपके खुद के ज़िले के या नज़दीकी थाने में जो बंदा कार्य कर रहा है, एक बंदा ही रहता है, दो बंदा रहते हैं रेडियो ऑपरेटर संबंधित, अगर वो आपके ज़िले में आना चाहता है और आप उसके ज़िले में जाना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, फिर आपको दूसरे ही ज़िले में आपकी ड्यूटी लग सकती है। और इसका कार्य क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वॉकी टॉकी होती है, जो वहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स रेडियो के थ्रू होती है, वहीं से जानकारी मिलती रहती है। उस मशीन का नाम होता है DCR, डायरेक्ट कन्वर्सन रिसीवर। यहीं से आपको जानकारी मिलती है, जैसे कोई SP, DSP या फिर कह सकते किसी की कोई बड़ा अधिकारी है, उसका कोई जवाब दे रहा है और उसको सभी को सुनना है या फिर कोई सूचना है, तो वो इसी मशीन से आती है, DCR से। अब बात आती है एग्ज़ाम डेट से संबंधित क्या जानकारी मिली। एग्ज़ाम डेट में आपको बताऊं कि देखिए, अभी तक एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो व्यक्ति कार्यरत हैं इस विभाग में, उनके द्वारा सूचना मिली है कि आपका एग्ज़ाम जो है, कह सकते हैं दीपावली से पहले कोई सूचना अच्छी खासी मिल सकती है, दीपावली से पहले कोई सूचना। यानी कि आप देखें, UPSI की जब वैकेंसी आई थी, उसकी भी यही समस्या फंसी हुई थी कि एग्ज़ाम डेट नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने कह सकते हैं पिछली वाली जो दीपावली थी UPSI वाली, उसके समक्ष ही अपनी डेट प्रस्तुत कर दी थी, फिर बच्चों के पास ज़्यादा समय भी नहीं मिला था। तो आशा यही है कि इस बार भी आपको डेट देखने को मिल सकती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।